खबर पर जो कि है राफेल को लेकर। राफेल पर राहुल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल से माफी की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और इसी को लेकर आज देश भर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन भी होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल में जांच की मांग को खारिज किया था। राफेल मामले की जांच की जरूरत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। राफेल मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने राफेल सौदे में घोटाले के आरोप भी लगाए थे, जिसको लेकर अब जो बीजेपी है वो हल्ला बोल कर रही है। सीधे तौर पर वो घेरने की कोशिश राहुल गांधी को कर रही है। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राफेल विमान सौदे में मोदी सरकार को ये राहत मिलती है और जो सभी पुनर्विचार याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया गया था। अब इसके बाद लगातार राहुल गांधी निशाने पर हैं बीजेपी के, और वो कह रहे हैं कि राहुल को माफी मांगनी होगी। इसी को लेकर आज देश भर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की। तख्तियां लेकर नारे लगाकर राहुल गांधी के खिलाफ ये हल्ला बोल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। विपक्ष के ये आरोप थे कि कांग्रेस ने सौदे में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया था, और ये भी कहा था कि सरकार ने राफेल सौदे का सही से विवरण देने से इनकार किया। हमारे साथ संवाददाता कमर जी जुड़ चुके हैं करनाल से। कमर जी, आज हम देख रहे हैं कि देश भर में राफेल पर राहुल को घेरने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। इस वक्त करनाल में क्या कुछ हो रहा है, वहां पर कैसे प्रदर्शन किया गया? देखिए, अगर बात करें तो देश भर में आज बीजेपी का जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन चल रहा है। उस प्रदर्शन को लेकर अगर बात की जाए तो करनाल जो सुनिधि चौक है वहां पर काफी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, और जो यहां से सांसद हैं संजय पाटिया करनाल लोकसभा सीट से, वो इस धरने की तो मांग कर रहे हैं। उसी के साथ अगर बात करें कार्यकर्ताओं का, जितने भी कार्यकर्ता जबक्का यहाँ पर पहुंचे, जहाँ हरिंदर कल्याण है, जहाँ दूसरे कार्यकर्ता जहाँ संजय पाटिया है, उनका यही कहना है कि इस मामले को, राफेल मामले को लेकर जो प्रधानमंत्री को, मोदी को कहीं ना कहीं चौकीदार, चोर या दूसरी ऐसी चीजें के इन सभी मामलों को लेकर माफी मांगनी चाहिए। और इसके साथ अगर बात की जाए सबसे बड़ी बात तो यह गई कि सोनिया गांधी और कांग्रेस को, पूरी की पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। इसी को लेकर आज एक घंटे का निकाल प्रदर्शन चल रहा है जी। इसमें क्या कुछ दिख रहा है कमर जी, कोई बड़ा नेता भी इसमें क्या शामिल होगा? देखिए, अगर बात करें जो एमपी है, यहाँ से सांसद हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र से, वो संजय पाटिया और प्रभारी भी हैं, वो भी हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो विधायक जो है हरिंदर कल्याण वो है, और जितने भी पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जेसी के साथ अगर बात करें तो मेयर है, जो अलग अलग जो यहाँ जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, और धरना प्रदर्शन उनका कमेटी चौक में चल रहा है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नारनौल में क्या कुछ इस वक्त माहौल है ये बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं मनोज गोस्वामी। मनोज, नारनौल में बताइए किस तरीके से बीजेपी का ये जो हल्ला बोल है आज चल रहा है, कौन से बड़े नेता पहुंच रहे हैं इसमें? जी, नारनौल में अभी बड़े नेता के किसी के भी पहुंचने की ना तो कोई खबर है और ना पहुंचने की कोई उम्मीद है, क्योंकि कोई भी नेता जो है जिले में मौजूद नहीं है। जिले के एकमात्र मंत्री है जो अभी तक मंत्री बनने के बाद भी अभी अपने जिले, गृह जिले में अभी तक आए नहीं है। और जिले की जो लोकल बॉडीज है, जिला प्रधान, उप प्रधान, महासचिव, प्रवक्ता, उन सबके द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया जा रहा है। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से। इस दौरान क्या कुछ मनोज वहां पर जो हल्ला बोल है किस तरीके से हो रहा है, नारेबाजी भी क्या की जा रही है, क्योंकि मांग सिर्फ एक ही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी? जी बिल्कुल, इसी चीज को लेकर जो है शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो अपनी मांग है उनके अंदर यही है कि राहुल गांधी ने बयान देके ना केवल जो है देश के अंदर जो है गलत बयान दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिए जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके भी जो है अपमान किया है, और इस चीज को लेकर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो नारनौल में अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि इसमें जो लोकल बॉडीज के जितने भी नेता हैं वो जरूर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बड़ा लीडर इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 36 राफेल विमान खरीदने का ऐलान किया था। प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? जी नमस्ते।
प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान जी, आज हल्ला बोल है राहुल गांधी माफी मांगेंगे या नहीं, इसी को लेकर आज हम देख रहे हैं कि देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, ये रोष है बीजेपी की तरफ से, लेकिन आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है कांग्रेस या राहुल गांधी पर? देखिए, मूल बात ये है कि कांग्रेस के उस समय के यूं कहिए अपरिपक्व अध्यक्ष ने लगातार राफेल को लेकर के जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी की, जिस तरह से कहीं चौकीदार चोर है ये नारा लगा करके वो हर जगह निर्लज्जता से जनता के बीच में जाते रहे, उनको खुद तथ्यों की जानकारी नहीं थी, और या फिर यूं कह लीजिए सब कुछ जानते हुए भी केवल और केवल प्रधानमंत्री के को का निरादर करने के लिए शोर शराबा उस दौरान किया। राहुल गांधी का वो जो कृत्य था वो अदालत के निर्णय के बाद एक प्रकार से बेनकाब हो गया है। सर्वोच्च अदालत से राहुल गांधी को इस तरह फटकार पड़ी है, चाहे वो उस नारे को लेकर हो, राफेल के मामले में सुनवाई करने से राफेल संबंधी याचिकाओं को करके सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार और प्रधानमंत्री पर जिस तरह से सवाल उठाए गए वो सही नहीं थे, और राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस बहुत सारे दुमछल्ले थे जो राहुल गांधी के पीछे बिना जाने बिना समझे अनाथ शनाथ बातें करते थे, वो सब गलत थे। हमारे इन प्रदर्शनों का मंतव्य इनको इन्होंने गलत कृत्य किए थे इनको शर्मिंदा करना है। उम्मीद ये है, अपेक्षा ये है कि इनको कहीं ना कहीं अक्ल आएगी, इनको आईना दिखाना है, इनको ये बताना है कि तुम्हारे इस कृत्य से जहाँ देश की अदालत में तुमको लताड़ा है, पटकारा है, वही नहीं। लेकिन बीरेंद्र जी, इसको लेकर तो वो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जवाब दे चुके हैं, इसको लेकर तो वो कह चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर फटकार भी लगा चुका है। प्रजातंत्र में आप ये देखिए, हमने उस समय भी इनको ये कहा था, चाहे वो जब भी संसद में बोलते थे, जब जनसभाओं में कहते थे कि सही स्थान पर आप अपनी बात कहिए, तथ्यों के आधार पर कहिए, ये कहते नहीं थे। इनका तरीका ये था कि जनता के बीच में जाओ, कुछ भी बोलो और आगे बढ़ जाओ, फिर कुछ और बोल दो आगे बढ़ जाओ। जनता की अदालत भी एक अदालत होती है प्रजातंत्र में, और एक मायने में वो बहुत बड़ी अदालत होती है। जनता की अदालत से एक निर्णय तो इनके खिलाफ आ गया 19 में कि जनता ने इनके तमाम फर्जीवाड़ों को नकारते हुए इनको फिर से विपक्ष में बैठने का जनादेश सुनाया, और पहले की तुलना में बड़ा जनादेश दिया। दूसरा, जनता के बीच में तथ्यों को ले जाना ये हमारी भी जिम्मेदारी है। इन्होंने जिस तरह से अपनी बातें की, गलत तरीके गलत चीजें लोगों के सामने लेकर के गए, इन प्रदर्शनों के माध्यम से धरने के माध्यम से हम जनता के बीच तथ्यों को नए अंदाज में नए सिरे से राजनीतिक रूप से ले जाना चाहते हैं। हमको ये लगता है, हमारा ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं या होंगे उनके कारण से ये थोड़ी बहुत शायद सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि इनसे चूक हुई है। ठीक है, कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेते हैं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? चलिए रंजीता जी से संपर्क नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया बीरेंद्र जी आपका भी, आपने जो बात रखी कि आखिरकार क्यों राहुल गांधी को माफी मांगनी जरूरी है। उन्होंने कहा प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि जनता के साथ जो उन्होंने भद्दा मजाक किया है, जनता के साथ जो उन्होंने विश्वासघात किया है, और प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर टारगेट करके जो इन्होंने गलत बयानबाजी है, उसके लिए राहुल गांधी को माफी जो है वो मांगनी ही पड़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर पहले ही सुनवाई कर चुकी है, और जो तमाम पुनर्विचार याचिकाएं थी उसको वो खारिज कर चुकी है।